आज हिंदी पंजाबी में आपको बताऊंगा कि प्लस टू के बच्चे जो प्लस टू का पेपर दे चले हैं तो उनमें कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमने जीएनएम करनी है, कोई कहता है जी हमने ऑपरेशन थिएटर करना है। तो बच्चों आज की वीडियो का जो शीर्षक है वो बेसिकली क्या है, जीएनएम वर्सेस ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग। ओटी नर्सिंग कहते हैं इसको, इसी को डॉट कहते हैं, डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी बोलते हैं और कॉमनली लोग इसको ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग बोलते हैं। तो दोस्तों जो बच्चा प्लस टू है वो डिप्लोमे में एडमिशन ले सकता है, दो साल का डिप्लोमा है, चार सेमेस्टर है और लगभग जो फीस है वो एक सेमेस्टर की लगभग 28,000 पड़ जाती है, 550 का फॉर्म है, एक क्लास यूनिवर्सिटी से आपकी ये डॉट होता है। अब आ जाते हैं जीएनएम। जीएनएम की फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। मिडवाइफरी को आप गूगल पे डालो, मैं किसी लॉबी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनकी भी गाइडेंस देता हूं और दूसरे की भी कोर्स की। तो मिडवाइफरी का मतलब है दाई, टेक्निकली जर्निंग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और मिडवाइफरी एम का मतलब मिडवाइफरी है, यानी कि जच्चा बच्चा और डॉक्टर के दरमियान जो डिलीवरी में सहायक हो उस वो जीएनएम का 3 साल का कोर्स है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, वही वाले जो ओटी में भी पढ़ते हो, एमबीबीएस बीडीएस में भी पढ़ते हो, जो डॉक्टर पढ़ता है उसमें भी पढ़ा जाता है, प्लस कई वाइटल चीजें नर्सिंग केयर भी पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी भी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसमें किसमें ज्यादा स्कोप है। देखिए जब कोई हॉस्पिटल से लड़की बाहर निकलती है कोट डाल के तो लोग कहते हैं जी नर्स आ गई, बाहर जीएनएम आ गई। मैं उनको कहूंगा कि कहीं उसके फेस पे लिखा है वो जीएनएम है। तो आज हेल्थ केयर में इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, वो हो सकता है ऑपरेशन थिएटर नर्स हो सकता है वो न्यूरो ओटी की हो सकता है वो अपना आई ओटी ऑपरेशन थिएटर की हो सकता है वो ऑर्थो ओटी में डील करती हो, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर सिर्फ गायनी का नहीं होता, जच्चा बच्चा का, आई का भी होता है, न्यूरो ओटी भी होता है, उसके बाद ऑर्थो ओटी हड्डियों का भी ओटी है, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट का भी ओटी है, स्किन ओटी भी है, कॉस्मेटोलॉजी का, देर आर लॉट ऑफ ओटी, इवन जनरल ओटी भी है सर्जन के साथ। तो दोस्तों जब आप ओटी कोर्स करते हो, ओटी नर्सिंग करते हो या उसकी बीएससी ओटी करते हो, आगे 2 साल की 2 साल का डिप्लोमा करके आगे अगर आप ए ग्रेड में करते हो, तो बेसिकली दीज कोर्सेज ओटी कोर्सेज आर स्पेशलाइज्ड इन नेचर। तो ओटी कोर्स अगर आप पीएनआरसी को आरटीआई में भी लिखो, पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को, तो वो आगे आपसे बताएंगे कि ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है। अगर पंजाब को नहीं लिखना, हरियाणा वाले को लिख लो, अगर हरियाणा वाले को नहीं लिखना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली में जाके एक आरटीआई डालो कि इसमें बेसिक कोर्स कौन सा है, वो बीएससी नर्सिंग जो होती है प्लस टू मेडिकल की वाली एंट्रेंस के बाद, वो बेसिक कोर्स है, बेसिक है, उसको स्पेशलाइज कोर्स नहीं कहते। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इन्फेक्शन कंट्रोल में स्पेशलाइजेशन हो सकते हो, स्कैटरिंग नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन हो सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने एमएससी किसमें की है, उस हिसाब से पीएचडी होती है और सीटें बहुत कम है इसमें। अब सवाल उठता है कि ओटी 2 साल की है और ऑपरेशन थिएटर नर्स जो है 2 साल का कोर्स है उन बच्चों के लिए जो प्लस टू पास है एनी स्ट्रीम से, और जो 1 साल का कोर्स है उसको सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, वो 1 साल का, उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। तो दोस्तों कोटा COTA मीन्स, या कोट COTT मीन्स ऑपरेशन थिएटर का सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का, अगर 2 साल का करते हो आप तो डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर है। इसका फायदा क्या है, आज की डेट में अगर आप प्लस टू करते हो एनी स्ट्रीम में और रिजल्ट अवेटेड है तो आपके 3-4 महीने वेस्ट हो जाएंगे, आप सिंपली हमारे पास आइए, अगर आपकी प्लस टू क्लियर हो गई तो डिप्लोमे में आप चले जाएंगे, अगर आपकी प्लस टू ना क्लियर हो तो 10th बेस पे आप सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर कर सकती हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑपरेशन थिएटर के साथ एनेस्थीसिया भी कराती हैं, बीएससी जिन्होंने डॉट कर रखी है वो लेटरल एंट्री हम उसको बीएससी ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया में कर देते हैं। एनेस्थीसिया क्या होता है, किसी भी मरीज को बेहोश करना ऑपरेशन करने से पहले। तो दोस्तों ये चीज जो है आपने दिमाग में रखनी है कि जो नर्स बाहर निकल रही है वो नर्स अकेले जीएनएम नहीं हो सकती, वो जीएनएम भी हो सकती है, एएनएम भी हो सकती है, ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग भी हो सकती है, वो कैथ लैब टेक्नीशियन भी हो सकती है, वो डायलिसिस टेक्नीशियन भी हो सकती है, उसने भी कोड डाला होगा, वो CSSD वो ICCU टेक्नीशियन भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ में आपको ब्रीफ देना कि ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। दूसरा, हर बंदा ये सोचता है कि जीएनएम की बार वैल्यू है,
जो भी कोर्स आप इंडिया में करते हो, चाहे एमबीबीएस कर लो, वो एमबीबीएस बाहर चलने वाली नहीं है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन के रूप में आपका गैप कवर हो गया। आपको उस स्टेट, उस कंट्री, प्रोविंसेस के मुताबिक, रेगुलेटरी बॉडी के मापदंड के मुताबिक पैरामीटर्स पूरे करते हुए उतने आईएलटीएस स्कोर लेके, उनकी रेगुलेटरी बॉडी के टेस्ट फीस देके आप उस प्रोविंस में एज ए नर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका मतलब बहुत सारी जीएनएम बाहर जाती हैं, वो कारवाश ही करती रह जाती हैं 90%। क्यों कारवाश क्यों किया, पिज्जा क्यों वो डिलीवरी कर रही है? कारण जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग करने के बाद भी, इवन कैनेडा में वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो एनक्लेक्स या आरएन टेस्ट जो कि निर्धारित है हर प्रोविंस का, कनाडा में भी, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएसए में भी। इसलिए ये धारणा जो बनाई हुई है वो जेंटो ने धारणा बनाई हुई है, और बाद में ये सुपने चकनाचूर हो जाए, कांच की तरह टूट जाते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारा चैनल है www.paramedicalindia.com वेबसाइट है, और बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल है। और लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, 60 किलोमीटर चंडीगढ़ से और 250 किलोमीटर दिल्ली से है। अम्बाला 60 किलोमीटर है और लोकेशन आपको पता लग गई। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे 9872468540 पे मैसेज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 01752363636। ये कॉलेज पटियाला में है, बीरका मिल्क प्लांट के बगल में। धन्यवाद दोस्तों।